तो देख सकते हैं जेडीयू में जो है, जहां मीना कामत की बात होती है, जहां शीला मंडल की बात होती है, तो जेडीयू में जो है अहम पोस्ट महिलाएँ, महिला जो है, महिला नेत्री है, वो आगे बढ़कर जेडीयू के कार्य करती है। इसी कड़ी में एक मौजूद है, उनसे जानते हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनी कुमारी होगा, पूर्व महिला जिला अध्यक्ष, अभी वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष महिला। आपको मैंने देखा है कि आदरणीय संजय झा जी को आपने एक गिफ्ट पेश किया है, किस उपलक्ष्य में? उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, इसके लिए हम लोग उनको मिथिला के पारंपरिक जो हम लोग का परंपरा है, तो यहाँ का फेमस अपना लोग का मिथिला का मिथिला पेंटिंग है, तो इससे अच्छा उपहार हम लोग को नहीं लगा, जो इससे अच्छा उपहार हम उनको कुछ दे सकते हैं, इसीलिए हम उनको मिथिला पेंटिंग स्वरूप भेंट दिए। क्या कहेंगे आगामी चुनाव में आप लोग कहाँ तक रोल अपना निभाएंगे? पूरा 100% जीत होगी जदयू की, एकदम 100% जीत होगी। आप देखे ही है लोकसभा चुनाव में जदयू की भागीदारी, इससे कहीं अच्छे भागीदारी विधानसभा में भी रहेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के। परिचय दीजिए मैम। मैं डॉक्टर भारती मेहता, प्रदेश अध्यक्ष जदयू महिला प्रकोष्ठ बिहार, और साथ में राज्य बिसुत्री की सदस्या भी हूँ, प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। मंच से आपने अच्छा संबोधन किया, और किस तरीका से आपने स्वागत किया आदरणीय संजय झा जी का? देखा जाए ये तो संजय, माननीय संजय झा जी और आदरणीय रामप्रीत मंडल जी का गृह जिला है, और नागरिक अभिनंदन था आज उनका यहाँ, और साथ में हम जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी इनका उसी नागरिक अभिनंदन में हम लोग भी शामिल थे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैंने देखी, जो मंच से भी मैंने कही, कि आज दोनों एक माननीय सांसद राज्यसभा सदस्य आदरणीय बड़े भाई संजय झा जी थे, और एक झंझारपुर के सांसद आदरणीय रामप्रीत मंडल जी थे। बहुत बड़ी बात जो मैंने वहाँ से कही भी, और जो फील भी होता है कि ये जदयू में ही संभव है कि दो आम घरों का लड़का, किसान का बेटा, आज इस जिले को प्रतिनिधित्व दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और समाजवादी धारा क्या होती है इसको किसी ने सिद्ध किया है, तो वो नाम है आदरणीय नेता नीतीश कुमार, जो आज यहाँ इस मंच पर दिख रहा था। क्या कहेंगे मैडम, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दोनों को दिया गया, रामप्रीत मंडल जी को भी और संजय झा जी को भी, कहीं ना कहीं वो देश में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। देखा जाए जो योग्य होता है, जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पे दी जाती है, और मैं अपने तमाम कार्यकर्ता और नेता बंधुओं के तरफ से आश्वस्त करती हूँ आदरणीय संजय झा जी को कि वो इस जिले से, उनका मार्ग निर्देश तो निश्चित तौर पर आवश्यक है, मगर सांगठनिक और अन्य जिम्मेदारियों के लिए निश्चिंत रहे, वो देश में मिथिलांचल और बिहार का झंडा बुलंद करे, हम लोग हर कदम पर, हर पग पग पर उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।